हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई वेलकम यू ऑल टुडे गाइस। आज हम करने वाले हैं सेजिटेरियस वर्सेस लीब्रा या लीब्रा वर्सेस सेजिटेरियस की लव टैरो रीडिंग, कि अगर आपका पार्टनर अगर सेजिटेरियस है और आप एक लीब्रा हैं, या फिर आप सैजी हैं और आपका पार्टनर लीब्रा है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक जनरल रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। एंड दूसरी बात, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, या आप मेल है या फीमेल है। एज लॉन्ग एज आपका सन साइन या मून साइन सैजिटेरियस या लीब्रा है और आपके पार्टनर का लीब्रा या सैजी है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो लीब्रा सैजिटेरियस जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो ऊपर वाले जो कार्ड्स हैं वो लीब्रा के लिए हैं, जो नीचे वाले जो कार्ड्स हैं ये सैजीज के लिए हैं। और ये उनकी ओवरऑल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये उनके ओवरऑल सारे आउटकम कार्ड्स जो हम देखेंगे बाद में। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग फॉर लीब्रा वर्सेस सैजिटेरियस रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले हम लीब्रा की अगर बात करें, तो लीब्रा, हम अगर पास्ट आपका जो रिलेशनशिप उसकी हम बात करें कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप कैसा था लीब्रा एंड सैजिटेरियस आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लीब्रा की बात करें, तो लीब्रा की तरफ से पास्ट जो रिलेशनशिप था विद देयर सैजिटेरियस पार्टनर, जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्टार्ट हुआ लीब्रा आपके सैजी पार्टनर के साथ, तो आई गेस वो आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल फेज था। क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले आपकी लाइफ में रिलेशनशिप फेलियर बहुत हुए हों, आप अपनी लाइफ में बहुत अपसेट हों, लेकिन सडनली जब वो आपकी लाइफ में आए, तो आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हों और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों, सडनली हमें कोई अनएक्सपेक्टेड जो एक हैप्पीनेस मिल जाए, तो वो बन के आपकी लाइफ में आए थे आपके सैजिटेरियस पार्टनर। कि आप अपनी लाइफ में जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक प्यार, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, तब वो आपकी लाइफ में आए और इट वॉज़ लाइक अ डिवाइन ब्लेसिंग। वो आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग बन के आए। आई एम श्योर जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्टार्ट हुआ होगा लीब्रा, तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होंगे, आप क्लाउड नाइन पे होंगे, आपको लगा कि आपकी सारी विशेज़ पूरी हो गई हैं। जैसे कि कि हम कोई बहुत एक लैक ऑफ लव था आपकी लाइफ में, और सडनली डिवाइन ने अपनी ब्लेसिंग आपको दी आपके हाथ में, और आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्सन, एक प्यार जो है आपकी लाइफ में एक एंटर हुआ। तो स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप फ्रॉम योर साइड लीब्रा वॉज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी रोमांटिक। ऑन द अदर हैंड, सैजिटेरियस का जब रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट हुआ होगा लीब्रा, तो उनकी भी सिमिलर फीलिंग्स ही रही होगी। हो सकता है कि उन्होंने अपने पार्टनर को लीब्रा पार्टनर को उन्होंने रेड रोज़ दे के प्रपोज़ किया हो, या एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट किया हो उनके लिए, एक कमिटमेंट दिया हो, और उन्होंने, या हो सकता है लीब्रास की आपके सैजी पार्टनर्स ने आपको उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया हो, उनके मम्मी पापा, या आपका ऐसे कुछ रिश्ता जो है एक स्टेप आगे बढ़ाओ, आपकी फैमिलीज मिली हो आपस में एक, या हो सकता है कि आप एक अरेंज्ड लव के थ्रू मिले हो, अरेंज मैरिज के उसमें देखने के थ्रू मिले हो, या जो भी है, आई एम श्योर कि उन्होंने आपको प्रपोज किया होगा, रेड रोज दिया होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिगनिंग हुई होगी। या मे बी आप अपने पार्टनर से एक एक शादी में, एक फंक्शन में, किसी पार्टी में मिले होंगे, किसी गैदरिंग में मिले होंगे, या आपको मिलवाने में आपके फ्रेंड्स या फैमिली ऐसे इन्वॉल्व होंगे। बट जो भी है, आपकी बिगनिंग जो है लीब्रा सैजिटेरियस, मुझे वो बहुत ही एक बहुत ब्यूटीफुल, जैसे कि डिवाइन की तरफ से कोई ब्यूटीफुल सा गिफ्ट आपको मिला हो इस रिलेशनशिप के फॉर्म में, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो बिगनिंग ऑफ द रिलेशनशिप तो आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल थी लीब्रा एंड सैजिटेरियस। अब देखते हैं आपका प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सबसे पहले तो अगर हम लीब्रा की बात करें, तो लीब्रा जो है वो अपने सैजी पार्टनर जो है वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा अब रिलेशनशिप जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसमें
हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें कमिट करे, हमसे एक स्टेप आगे लेके जाए हमारे रिलेशनशिप को, मे बी फॉर लाइक एंगेजमेंट और मैरिज और एनीथिंग. तो लीब्रा पार्टनर जो है वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सैजी पार्टनर से कि एक वो एक मेच्योर डिसीजन ले, एक मेच्योर स्टेप ले. मे बी वो एक एक मेच्योरिटी ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर उनकी तरफ एक स्टेप आगे बढ़े, या उन्हें प्रपोज करें, या उनकी उनसे शादी के बारे में सोचें, एक मेच्योर कमिटेड डिसीजन ले. उनकी उनकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन है उनकी अपने सैजी पार्टनर के लिए. लेकिन जो सैजिटेरियस है एट दिस पॉइंट प्रेजेंटली, मेरे ख्याल से उनका ध्यान अभी इस रिलेशनशिप पे ना होके, आई थिंक दे आर बिजी इन देयर वर्क लाइफ, देयर बिजनेस, जॉब, स्टडीज, करियर और एनीथिंग. मे बी वो अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर, जॉब या किसी और चीज़ को लेके, और उनका ध्यान इस पॉइंट पे एटलीस्ट अपने पार्टनर को जो है वो कमिटमेंट देने पे तो बिल्कुल नहीं है, कि एक रिलेशनशिप पे जो एफर्ट लगाने होते हैं वो बिल्कुल नहीं है. या हो सकता है फॉर सम ऑफ यू जो सैजिटेरियस जो पार्टनर हैं वो अभी अपने आप को इस रिलेशनशिप में बहुत ही बंधा हुआ होता ना, कि हम ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को बस चला रहे हैं, हमारा मन नहीं है उस रिलेशनशिप में रहने का, बट फिर भी हम उस रिलेशनशिप में हैं ज़बरदस्ती, डोंट नो वाई, बट एक बेमन से हम किसी रिश्ते को निभा रहे हों, या हम उतने दिल से उस रिश्ते को अभी टाइम ना दे पा रहे हों, उस रिश्ते को अभी निभा ना पा रहे हों. मे बी कुछ फैमिली इशूज़ हो, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो जॉब से या फैमिली लाइफ या एनी थिंग, बट एट प्रेजेंट उनका ध्यान अभी इस रिलेशनशिप पे ना होके, उनका ध्यान जो है अभी अपनी बाकी चीज़ों पे है. वो अभी उनका फोकस इस रिलेशनशिप पे, कमिटमेंट पे, उस पे. मे बी वो चाहते भी हों कमिट करना या एनी थिंग, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, हो सकता है कि रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन उनकी लाइफ में हो जिस पे उनका फोकस हो. थर्ड पार्टी में भी एनी थिंग, थर्ड पार्टी में भी वर्क और फैमिली और एनी अदर पर्सन. तो आप सब अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करें, बट एट दिस पॉइंट उनका ध्यान अभी इस रिलेशनशिप पे हार्डवर्क करने की बजाय उनका ध्यान कहीं और है, या मे बी जितना आप सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए एट दिस पॉइंट लीब्रा, आप जो एक मेचोरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो अभी उनका ध्यान अभी इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप पे ना होके, अभी वो या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे उनको फोर्स कर रहे हो कि टू गेट कमिटेड, टू गेट मैरिड, टू गेट एंगेज, लेकिन वो उनको ऐसा फील हो रहा हो कि नहीं, अभी शायद वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, अभी वो रेडी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए. मे बी उनको लग रहा हो कि आप उनको फोर्स कर रहे हैं, मे बी अब उन आपको उनको आपकी बातें अब एज अ फोर्स लग रही होंगी, जैसे कि आप अगर उनको कहते हो कि ओके लेट्स गेट मैरिड, या ये और वो, या अपने पेरेंट्स से बात करो, या ये वट एवर, तो वो दे आर लाइक कि हाँ अभी नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी किसी वो रिलेशनशिप में वो सैजिटेरियस का जो नेचर होता है वो इतनी इजीली किसी से कमिट नहीं करते हैं. उनको अपना फ्रीडम जो है वो बहुत पसंद होता है, उनको किसी चीज़ में बंधना, किसी रिलेशनशिप में बंधना वो पसंद नहीं है. ऑन दी अदर हैंड लीब्रा जो होते हैं उनको एक फैमिली चाहिए होती है, उनको प्यार चाहिए होता है, उनको कमिटमेंट चाहिए होता है, उनको सब कुछ एक वो बहुत ही इमोशनल होते हैं. ऑन दी अदर हैंड सैजिटेरियस जो है वो बहुत ही एक नॉट दैट इमोशनल, वो उनको अपना फ्रीडम पसंद है, उनको अपनी स्पेस पसंद है. तो एट दिस पॉइंट मुझे आपके पार्टनर किसी भी रिलेशनशिप में बंधने के मूड में है, या एक कमिटमेंट वाले मूड में नहीं दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन हो सकता है. देखते हैं. जो आपका पास्ट था रिलेशनशिप का, बाय द वे उसके लिए एक और कार्ड था द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. तो पास्ट के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक, जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही वो भी दे रहे थे, उन्होंने आपको मेरी बहुत गिफ्ट्स दिए हो, बहुत पैम्पर किया हो, ऐसा रहा है. बट इन फ्यूचर के लिए जो आपके लिए जो कार्ड्स हैं उसमें जो क्लैरिफाइंग कार्ड्स हैं वो भी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है. तो मे बी वो आपके पास आना चाह रहे हो, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हो, अगर आप एक कम्युनिकेशन में नहीं है, अगर आपके बीच में गैप है, फिजिकल गैप है, आपके पास मिलने भी आना चाह रहे हो, बट इस पॉइंट पे वो आपको ये न्यू बिगनिंग, ये न्यू हैप्पीनेस, ये एक न्यू ऑफर, लव ऑफर जिसे कहते हैं, या कम्युनिकेशन या क्लैरिटी, वो अभी देने के बिल्कुल मूड में भी नहीं है,
और आई थिंक वो उस कंडीशन में भी नहीं है कि वो अभी आपको यू नो एक ये न्यू बिगनिंग जो होता है, एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, एक फॉरएवर जो हम यू नो एक्सपेक्ट करते हैं एज ए लीब्रा कि हमें मिले, बट वो देने के वो बिल्कुल अभी मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट नो, बट अभी मुझे इस चीज़ में कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर की अगर हम बात करें तो लीब्रा जो है वो अपने सैजी पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या करेंगे विद द सैजी पार्टनर। उनके लिए कार्ड है चेंज एंड फैमिली रूम। तो मे बी जो लीब्रा है वो अपने पार्टनर के साथ, सैजिटेरियस पार्टनर के साथ, यू नो एक एक अब एक चेंज चाहते हैं लाइफ में। वो जो भी ये जो नेगेटिव साइकिल चल रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो चल रही है मे बी अभी भी, उसमें एक चेंज चाहते हैं वो। उनके साथ एक फैमिली चाहते हैं, एक वॉर्म्थ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनके पास जाना चाहते हैं, यू नो आप मिलके सब कुछ बैठ के सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या जो भी है ओवरऑल इस रिलेशनशिप में अब जो भी ये नेगेटिव वेटिंग एनर्जीज जो आपकी रही है उसमें आप चेंज चाहते हैं। आप एक स्टेबिलिटी, आप एक फैमिली चाहते हैं विथ योर पार्टनर, विथ योर सैजिटेरियस पार्टनर। ऑन दी अदर हैंड लेट्स सी कि वो क्या चाहते हैं आपसे। तो सैजी पार्टनर्स जो हैं वो अपने लीब्रा पार्टनर से की तरफ अब इन फ्यूचर अब आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो अपनी बहुत स्टक एनर्जीज में थे। अभी यू नो वो उनको रिलेशनशिप एक बर्डन लग रहा था उनके लिए, अभी उनको उनका अपना पार्टनर ये रिलेशनशिप अभी एक बर्डन लग रहा था। वो अभी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है एट दिस पॉइंट, लेकिन इन फ्यूचर वो अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से निकल के अब जो है इन फ्यूचर वो ये रास्ता जो है ये रास्ता लेके अब वो आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपके बीच में यू नो एक डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, जो जिस तरह का भी डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में कोई गैप है, तो अब वो उस गैप को कवर करके वो उस रास्ते पे चल के अब फाइनली फाइनली यू नो आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग, वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो जॉय जो कि एक लीब्रा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, वो उन्हें वो डेफिनेटली वो देना चाहते हैं। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट उनको थोड़े से टाइम, थोड़े से स्पेस, थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपका कार्ड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव आया है। अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर का आउटकम कार्ड जो टैरो से है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट कार्ड इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली अभी तक यू नो जैसे कि वो एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स तक अभी वो किसी मूड में नहीं है आपको यू नो न्यू बिगनिंग कमिटमेंट देने के, बट इन फ्यूचर वो इस एनर्जी से निकल के वो अपने किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आने वाले हैं। वो डेफिनेटली डेफिनेटली यू नो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं, आपको क्लैरिटी देंगे, यू नो आपसे बात करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, आपके लिए एक्शन लेना चाहेंगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड यू नो इज़ अ कार्ड ऑफ एक्शन। वो डेफिनेटली आपके पास चल के आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे। मे बी अभी वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपना स्पेस दें, अपना टाइम दें, यू नो एक डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ द सन कार्ड। वाओ लीब्रा एंड सैजिटेरियस, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। तो इन फ्यूचर आपके लिए मुझे एनर्जीज एकदम ही रिवर्स और पॉजिटिव होते हुए दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे था कि एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, सिक्स ऑफ सोर्ड रिवर्स, जो भी नेगेटिव कार्ड्स आए थे आपके लिए, अब इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। द सन कार्ड इज सच अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स इंडिकेशन ऑफ द गुड न्यूज़। कोई गुड न्यूज़, कुछ क्लैरिटी, कोई कमिटमेंट, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली आई थिंक मैनी ऑफ योर पार्टनर लीब्रा जो सैजिटेरियस हैं, वो काफ़ी सारे लीब्रास के जो पार्टनर हैं वो उनको कमिटमेंट दे रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी दे रहे हैं, वो उनके पास आ रहे हैं। और जो लीब्रा इतने टाइम से यू नो एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, अब वो फाइनली उन्हें वो न्यू बिगनिंग ज़रूर ज़रूर देंगे, और वो बहुत जल्दी ही देंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए जो आउटकम कार्ड है इस रिलेशनशिप का वो क्या है। यू हैव टू कार्ड्स, ऑफिशियल पर्सन एंड ऑक्यूपेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए जो ऑक्यूपेशन कार्ड इट इंडिकेट्स कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में अगर आप उतना हार्डवर्क नहीं लगा रहे हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में यू नो एक हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप में यू नो एक स्टेबिलिटी, एक हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर यू नो एट दिस पॉइंट रेडी नहीं है तो प्लीज़ अभी उस सिचुएशन को ज़बरदस्ती फोर्स ना करें। आप अपने काम पे ध्यान दें, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दें, अपने
चीज़ें पे फोकस करें, अभी अपना ध्यान इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा हटा के अपने काम पे ध्यान दिया, मे बी वो अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं अभी, ना कि इस रिलेशनशिप पे, तो उन्हें अपनी स्पेस दें, अपना टाइम दें, बिकॉज आई सी इन फ्यूचर कि वो जो अभी तक इतने स्टबर्न, ईगोइस्टिक और नेगेटिव एनर्जीज में थे, वो डेफिनेटली एक ऑफिशियल स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको वो कमिटमेंट, क्लैरिटी वो ज़रूर देंगे, बस थोड़े से डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है आप दोनों को ही, स्पेशली आपके पार्टनर को। अब देखते हैं कि जो लीब्रा पार्टनर है वो अपने सैजिटेरियस पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। फॉर यू द कार्ड इज एन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस। तो हो सकता है ये जो लीब्रा है वो अपने साजी के लिए सोचते हो कि वो एक बहुत ही यूनिक पर्सन है, उनके जैसा कोई नहीं है। इन ऑब्वियसली हर लवर के लिए अपना जो लवर है वो बहुत ही यूनिक और वन इन अ मिलियन होता है, तो आप भी शायद उनके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। और दूसरा है कि टाइम फॉर अ लव फेस्ट, तो मे बी लीब्रा जो है वो अपने पार्टनर के साथ एक लव फेस्ट चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं, एक लव ऑफर चाहते हैं, वो यही उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आए और उन्हें कमिटमेंट दे। अब देखते हैं कि जो सैजिटेरियस हैं वो अपने लीब्रा पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। फॉर देम द कार्ड इज व्हाट यू गिव विल कम बैक। तो सैजिटेरियस जो है वो अपने लीब्रा से कह रहे हैं कि जो भी आप इस रिश्ते में देंगे वही आपको वापस मिलेगा। तो मे बी इस पॉइंट पे अगर आप अभी उनसे नेगेटिव हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं कि कमिटमेंट कमिटमेंट, बहुत नेगेटिव एनर्जीज अगर आप दे रहे हैं, तो मे बी वो इन रिटर्न भी आपको वो नेगेटिविटी ही दे रहे हैं। तो अभी शायद आपको उन्हें थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्यार देने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इन फ्यूचर आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो आप उन्हें प्यार दीजिए और आपको रिटर्न में भी सिर्फ प्यार ही मिलेगा, लीब्रा एंड सैजिटेरियस। अब देखते हैं कि आपके लिए दूसरे कार्ड्स जो हैं ओरेकल कार्ड्स, उनसे क्या गाइडेंस है, एक करके लेते हैं। फर्स्ट इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो लीब्रा एंड सैजिटेरियस, अगर आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट मुझे ऐसे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, काफ़ी सारे रिलेटेड टू फैमिली या जॉब या एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, एनी थिंग, तो डिवाइन इज टेलिंग यू कि आप जो है वो बहुत स्ट्रांग है एंड यू कैन ओवरकम एनी थिंग। और जो बुरा टाइम है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, बिकॉज आप इस चीज़ से भी, आपका रिलेशन अगर स्ट्रांग है, आपका प्यार अगर स्ट्रांग है, आपका विश्वास अगर अपने पार्टनर पे स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे। द सेकेंड कार्ड इज डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। तो डेफिनेटली अगर जैसे कि हमने देखा था इन दी प्रेजेंट, कुछ सैजिटेरियस को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक बर्डन है बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिविटी, तो अगर आपके बीच में कोई एक लड़ाई है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है स्पेशली, तो दिस कार्ड इज़ इंडिकेटिंग यू कि टू प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर करिए, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में जो ना क्लैश ऑफ ओपिनियंस हैं, उसको क्लियर करिए, बिकॉज़ वो जो चीज़ है वो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। और बैठ के एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, बिकॉज इस रिलेशनशिप में बहुत स्कोप है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा है। एंड द थर्ड कार्ड इज मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जीज फ्लोस थ्रू यू। तो अगर आप दोनों में से अगर कोई भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, जिसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो उनको अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे बेसिकली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ज़्यादा दिख रहा है, तो उन्हें अपने आप को टाइम देने की, हील करने की, मेडिटेशन और इस रिलेशनशिप की जो वैल्यू है, इसके जो मायने हैं, वो समझने की बहुत ज़रूरत है, तभी ये रिलेशनशिप हील होगा। तो डेफिनेटली इट्स द ड्यूटी ऑफ डिवाइन फेमिनिन कि वो अपने मैस्कुलिन को टाइम दे, स्पेस दे, उनको वक्त दे, कि वो जो अपनी फेमिनिन है वो उसकी वैल्यू समझे, ना कि बार बार जाके आप अपनी वैल्यू ज़बरदस्ती उन्हें दिखाएं। तो गिव देम दैट टाइम एंड स्पेस एंड लेट देम हील। अब जो आपके लिए दूसरे कार्ड्स हैं वो देखते हैं। इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव पावर। एंड काली माँ का कार्ड आया आपके लिए। फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। तो सबसे पहले जो कार्ड है दैट इज इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस। सबसे दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग दैट जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अगर है, ये रीडिंग देख रही है, तो आप बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आपको लग रहा है
कि आपकी वैल्यू इस रिलेशनशिप में कम हो रही है, तो प्लीज़ अभी अपने आप को कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपको अपने आप को अभी डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको चीज़ों को फोर्स नहीं करना है अभी, क्योंकि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन शुड रियलाइज़ योर वैल्यू एंड द सेकेंड कार्ड इज़ फेसिंग फियर। दिस इज़ एडवाइस फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन, या जो भी अभी एट दिस पॉइंट लिब्रा या सैजिटेरियस में जो भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, कि एट वन पॉइंट यू हैव टू फेस योर फियर। और आपकी लाइफ में जो काली माँ है, वो आप चाहे ना चाहे चेंजेस ज़रूर लाएंगी, बिकॉज आपके लिए जो कार्ड आया था वो भी चेंज का कार्ड यहाँ पे आया था, तो आपके लाइफ में वो चेंज ज़रूर आएगा आप चाहे ना चाहे, बिकॉज दिस इज़ योर डेस्टिनी। और अगर आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस लिखी है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो हैव सम पेशेंस, ट्रस्ट काली माँ, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट एंजल्स, आपको ज़रूर मिलेगी आपकी हैप्पीनेस। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ रूट चक्रा नेचुरल वर्ल्ड। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, या ये रिलेशनशिप जो है ये ओवरऑल ही बिल्कुल सही नहीं चल रहा है एट दिस पॉइंट, तो अभी आप दोनों को ही अपनी अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक भी पार्टनर की हीलिंग पूरी नहीं होती है, तो पूरा रिलेशनशिप जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप दोनों ही अभी अपने अपने जोन में रहिए, चीज़ों को फोर्स ना करिए, नेचुरल वर्ल्ड में अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या जो भी है पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। बिकॉज अभी आप जितना अपना इनर वर्क खुद करेंगे, उतना ही आपका पार्टनर जो है वो भी पॉजिटिव होता जाएगा अपने आप। और अगर आपको अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस, ये न्यू बिगनिंग चाहिए, तो आपको अपना इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, एक स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है अपने पार्टनर को। और आपको पता होना चाहिए कि कब आगे बढ़ना है, कब आपको वहाँ से रिट्रीट करना है, कब आपको एक बैक स्टेप लेना है, क्योंकि आप बहुत मैच्योर्ड है। लिब्रा या सैजिटेरियस भी रीडिंग देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में आगे जाके सब कुछ सही होगा, बट अभी आपको अपना रूट चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई सी लॉट ऑफ स्कोप इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का आउटकम बहुत ही पॉजिटिव है, बट एट दिस पॉइंट चीज़ों को फोर्स करने की बजाय, चीज़ों को एक अलग ज़बरदस्ती खींचने की बजाय, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग हो, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स अभी आपकी लाइफ में हैं वो डेफिनेटली अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जस्ट गिव सम टाइम एंड सम स्पेस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लिब्रा एंड सैजिटेरियस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय।